सत्ता में आने के बाद अब संतों की जो निगाहें हैं वो राम मंदिर पर टिकी हुई हैं। संतों का मानना है कि अब किसी भी तरह का विलंब नहीं होना चाहिए और जल्द ही मंदिर निर्माण शुरू हो जाना चाहिए। ऐसे में इंडिया न्यूज से खास बातचीत की जगत गुरु शंकराचार्य राज राजेश्वर ने आश्रम महाराज ने कहा है कि अब किसी भी तरह का विलंब नहीं होना चाहिए क्योंकि केंद्र में और राज्य में दोनों में ही बीजेपी की सरकार है। लखनऊ के मोहनलालगंज में मौजूद है और इंडिया न्यूज से खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जगत गुरु शंकराचार्य राज राजेश्वर आश्रम जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। जिस तरह से देखा जाए दोबारा फिर मोदी सरकार पूर्ण बहुमत में आई है और मंदिर मुद्दा एक अहम था जिस पर संतों की भी काफी निगाहें हैं, तो क्या लगता है अब कितना मंदिर का रास्ता साफ हुआ है जिस तरह से पूर्ण बहुमत में बीजेपी सरकार आई है? हमें तो आशा है, आशा पिछली बार भी थी कि ये जो है राम मंदिर के विषय पर किसी भी प्रकार से चाहे तो संविधान बनाए, चाहे सुलह का मार्ग अपनाएं और चाहे न्यायालय का मार्ग अपनाएं। मार्ग कोई भी हो, हमें तो राम मंदिर बनने से मतलब है। राम मंदिर बनना चाहिए, अब वो सरकार का विषय है कि सरकार उसको किस तरह बनाए। और सरकार जो होती है वो सर्वशक्तिमान होती है, वो सब प्रकार से येन के इन प्रकार ने सारे रास्ते निकाल सकती है। लेकिन अगर मंदिर वर्तमान सरकार के रहते हुए नहीं बनेगा तो फिर किस सरकार के रहते हुए बनेगा? केंद्र में मोदी हैं, प्रदेश में योगी हैं, दोनों ही हिंदुत्व का चेहरा है, दोनों ही हिंदुत्व के नाम पर दोनों को वोट जनता ने दिया है। अगर मोदी को ये लगता होगा कि मुझे विकास के नाम पर वोट मिला है तो वो उनकी भ्रांति है, वो दिमाग से निकाल दें। विकास के लिए सबका विकास सबका साथ, इसके लिए वोट किसी ने नहीं दिया है। वोट जो दिया है वो राम जन्मभूमि के लिए दिया है, हिंदू हित के ये संरक्षण है, संरक्षक करेंगे ऐसा मानकर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और मोदी जी जो है वो हिंदुत्व का एक चेहरा है ऐसा मानकर वोट किया है। यदि इतने विशाल विराट बहुमत के बाद भी मंदिर का निर्माण नहीं होता है तो फिर इस पार्टी का भी भविष्य जो है वो संदिग्ध खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए राम जन्मभूमि मंदिर शीघ्र बनाना चाहिए। सर क्या लगता है कि पहले ही विलंब हो चुका है, जैसे कि 14 में केंद्र में बीजेपी सरकार आई, फिर 17 में स्टेट में भी बीजेपी सरकार आ गई, तो ये 3 साल निकल गए, अभी तक कुछ इसमें कोई निर्णय नहीं लिया गया, क्या लगता है पहले ही विलंब हो गया है और आगे आने वाले समय में क्या होगा? ऐसा है कि सत्ता को पाकर तो जब भगवान श्री राम स्वयं मौजूद थे उस समय भी जब सत्ता मिली सुग्रीव को तो वो भी राम जी को भूल गया था। तो सत्ता आने पर राम को भूलना कोई अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन इन लोगों को राम को भूलना नहीं चाहिए, नहीं तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे और मंदिर जो है प्राथमिकता मानकर मंदिर का निर्माण करना चाहिए। सर अगर संत समाज की माने तो संत समाज का अब आगे क्या कदम होगा, किस तरह से मंदिर मुद्दा होगा, किस तरह से इसकी मांग उठाई जाएगी, क्या करेंगे आप लोग? संत समाज जन जागरण कर सकता है और बाकी तो जो निर्माण का कार्य है वो तो शासन को ही करना है। बिल्कुल, ये थे स्वामी जी जगत गुरु शंकराचार्य जी, जिनका कहना था कि सरकार को अब मंदिर मुद्दे पर भी सोचना चाहिए। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। और इसी के